हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पहले के ज़माने में ऋषि मुनि तप किया करते थे, किस लिए? तीन कारणों की वजह से। एक, हेल्थ उनकी अच्छी रहती थी, दूसरा दीर्घायु बनना, और तीसरा भगवान से जुड़ना। इन तीनों कारणों की वजह से वो तप किया करते थे। आज के युग में वही तपस्या, नाम दे दिया गया है उसे मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाना। एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया, क्या ध्यान लगाए बिना ही, ध्यान किए बिना ही हम भगवान को पा सकते हैं? इसी बात पर आज मैं देने जा रही हूँ अपना वीडियो, मेरे ओपिनियन के माध्यम से। आपके अपने विचार शायद अलग हों, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो मेरा ओपिनियन है वो मैं शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना या तप करना क्या होता है? आप तभी ये काम कर सकते हैं जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। जैसे कि आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कुकिंग करना चाहते हैं, कोई भी आप हॉबी तभी अपनाते हैं जब उसमें आपको इंटरेस्ट आता है। यानी बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि पैदा किए आप उस चीज़ में महारत नहीं हासिल कर सकते। तो भगवान को जानने के लिए भी सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट जगाना होगा, आपको रुचि पैदा करनी होगी। भगवान क्या है, कैसे उन्हें जाना जा सकता है, उनका ज्ञान, उनके ज्ञान को पाने के लिए जब तक आप अपना इंटरेस्ट उस तरफ नहीं मोड़ेंगे तब तक कैसे आप जान पाएंगे भगवान को। आज जो कलयुग में कल्कि अवतार आ रहे हैं, आ चुके हैं कहिए, और चुपके चुपके अपना काम भी कर रहे हैं, क्या उन्हें जान पाना इतना आसान है? उन्हें जानने के लिए और भगवान को जानने के लिए, कल्कि अवतार को जानिए या किसी भी देवी देवता जिसको, जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं, जिसने आपको दिए 2400 घंटे काम करने के लिए, जिसने आपको एक लंबा जीवन दिया, जिसने आपको सब कुछ दिया, आप अपने आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्या उस भगवान को जानने के लिए आप अपने दिनचर्या में से, डेली लाइफ में से सिर्फ 5 मिनट नहीं निकाल सकते? क्योंकि जब तक आप उन्हें जानेंगे नहीं वो क्या है, तब तक आप उनके प्रति कोई भी भावना प्रकट नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपनी नफरत की भावना दिखलाते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वास्तव में ईश्वर नाम की कोई ताकत होती है। जैसे एक व्यूअर कमेंट करते हैं, परमात्मा उर्दू शब्द है, क्या कहूं मैं उनके ज्ञान को, आप बताइए। जब उन्हें यही नहीं पता है कि परमात्मा उर्दू शब्द है या हिंदी शब्द है और परमात्मा का अर्थ क्या होता है, उससे संधि विच्छेद किया जाए तो परम प्लस आत्मा ईश्वर कहते हैं, वो हिंदी वर्ड है, उर्दू वर्ड नहीं है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य को मैं क्या कहूं। तो ज्ञान का सागर जब तक आप उसमें गोते नहीं लगाइएगा तब तक आप भगवान से कैसे जुड़िएगा? अगर गलत बातें आपके दिमाग में रहेंगी आप भगवान को कैसे जान पाएंगे? और ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना सिर्फ भगवान को जानने के लिए मत कीजिए, उससे जो होने वाले बेनिफिट हैं वो आपके लिए हैं, उसमें भी आपकी भलाई है, भगवान की नहीं, उसमें भी आपकी भलाई है। आपका हेल्थ अच्छा रहता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, आपका मेंटल हेल्थ ग्रो करता है, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है, आप तरह तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं, आपको एक मेंटल पीस मिलता है, आप खुद खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होती है। सोचिए कितनी सारी अच्छाइयां हैं एक मेडिटेशन करने से, लेकिन इसे करने के तरीके
और इसे करना आसान नहीं है, क्योंकि इसे करने के पहले आपको अपने मन और दिमाग को बिल्कुल शांति की अवस्था में और शून्य की अवस्था में लेकर जाना पड़ता है, जिस प्रकार की आकाश है। आकाश का ना स्टार्टिंग है ना एंड है, आकाश एक शून्य है। तो उसी तरह आपको अपनी आंखें बंद करके ये सोचना है कि भगवान क्या है, कल की अवतार क्या है। पहले आप उनके बारे में धीरे धीरे जानिए, ज्ञान लीजिए, जानकारी हासिल कीजिए। थोड़ा सा ज्ञान पाकर सिर्फ यदि आप कहेंगे कि आपने कल के अवतार को जान लिया, तो ये हमारी अज्ञानता है। इतना आसान नहीं है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, कल के अवतार को जान पाना। तो आप कल के अवतार से यदि जुड़ना चाहते हैं तो निसंदेह आपको किसी भी रूप में ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास मॉर्निंग का टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस पहुंचने में लेट होता है, घर में बहुत जल्दबाजी मची रहती है, हर काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बिल्कुल आपको समय नहीं मिलता, कोई बात नहीं, भगवान ने इतनी सहूलियत दी है कि रात को सोने से पहले ईश्वर का नाम ले लें, सिर्फ 5 मिनट के लिए सही सोते हुए आँखें बंद कीजिए और ईश्वर से कनेक्ट होइए। कोशिश कीजिए कोई भी थॉट आपके दिमाग में ना आए। सबसे अच्छा मॉर्निंग का मेडिटेशन होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं, बिजी शेड्यूल नहीं, बहुत बिजी हैं आप, बिजी शेड्यूल में से आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, सिर्फ इतना सोचिए मन में कि भगवान का दिया सब कुछ है, उसके प्रति आपको अपना धन्यवाद देना है, आपको शुक्रिया अदा करना है। और एक ऐसी ताकत जो इस पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसके प्रति आपको एहसान जताना है और आने वाले दिन के लिए मंगल कामना करनी है। बस सोते हुए सिर्फ 5 मिनट शून्य में जाइए, आप देखिएगा किस तरह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होता है, आप पॉजिटिव वे में जाते हैं, आपके अंदर से क्रोध अहंकार खत्म होता है और आप फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे जा रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में आप प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं। तो उसी प्रकार कल के अवतार को जानने के लिए भी थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान जरूरी है। बिना उसके भी यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके द्वारा भी भगवान के दर्शन किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे आपको, जब भगवान की कृपा होगी आप पर। आपके नेक कर्म सबसे बड़े हथियार हैं आपके लिए, लेकिन कभी ना कभी हमसे भी पाप हो जाता है, अनजाने ही सही। उसकी माफी सिर्फ भगवान हमें दे सकते हैं। इसलिए आज के युग में, इस भागदौड़ की दुनिया में, सिर्फ 5 मिनट का समय कल के अवतार के लिए निकालिए और उनसे जुड़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।